अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र अच्छा गुजरा। अभी हम जो है होटल पहुँचाए हैं और रात के 12 होने वाले हैं और चेक इन कर लिया है। बुकिंग ऑलरेडी हमने करवाई थी, बस थोड़े से मैंने क्लिप यहाँ पर कैप्चर किए क्योंकि ट्रैवल करके बहुत थक चुके थे और ख़ासकर आपके साथ बच्चे हों तो इस टाइम पर जो है ना उनकी बस हुई होती है। और अभी जो है हम जा रहे हैं रूम की तरफ और रूम में इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हमने रखा अपना सामान और देखा कि हमने जो बुकिंग करवाई थी हमने जो है ना किंग साइड बेड लिया था, तो वो फिर हमने दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना हमें किंग साइज़ जो है बेड है ना वो दोबारा सेट करके दें। और मैंने सोचा कि थोड़ा आपको रूम टूर भी करवा लूँ और ये ऊपर जो है ना आपको होटल का नाम भी शो हो रहा होगा, साथ में ये कार्ड थे इस पर सारे सर्विस नंबर थे कि कोई भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जब इंटर होते हैं तो एक साइड पे आपको नज़र आता है ये जहाँ पे जो किटली और पानी वगैरह गर्म कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी आप बना सकते हैं, और सबसे ऊपर जाय नमाज और कुरान पाक उन्होंने रखा हुआ है, और साथ ही जो आप अपने बैग वगैरह रख सकते हैं। और एक साइड पर जो है TV उन्होंने सेट किया हुआ है, बैठने की जगह बनाई हुई है, और साथ में फ्रिज भी है, आप वहाँ पर भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये है जी विंडो, तो इस साइड पे तो सारा वो होटल्स ही नज़र आ रहे हैं। अभी रात के टाइम इतना नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरी ये कोशिश थी कि हम वो वाला रूम हमें मिले जो कि जिसके जो विंडो खुले तो सामने ही हमें जो है वो मस्जिद नबवी नज़र आए। तो खैर इस बार जो है ना हमें रूम नहीं मिला वो क्योंकि सब बुक थे। तो यहाँ पे जी बेड भी हमारा जो है ना वो सेट हो चुका था, तो ये साथ ही जो है यह आपको कबर्ड नज़र आएगी, अबाया वगैरह ड्रेसेस वगैरह आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। तो जो है आयरन वगैरह और स्टैंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप ड्रेस प्रेस कर सकते हैं। और वॉशरूम बहुत अच्छा था इनका, इन्होंने जो है ना यहाँ पे ये शैम्पू सोप और कंडीशनर और साथ में ये जो आपको नज़र आ रहे छोटे छोटे बॉक्स इनमें टूथब्रश और जो है शेविंग किट वगैरह रखी। वैसे तो हम कहीं भी जाते हैं अपने सोप और ब्रशेज वगैरह हम साथ ही लेकर आते हैं। और रात काफ़ी हो चुकी है और मोहम्मद बिल्कुल थके हुए हैं, तो अभी बस मैं उनको चेंज करवा के बस मैंने अभी उनको सुलाना है क्योंकि सुबह हमने जल्दी उठना है। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। और ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो यहाँ पे जी मोहम्मद आराम से जो है ना वो सो रहे हैं और इतने मज़े की उन्होंने नींद ली है क्योंकि काफ़ी वो थके हुए थे, तो सुबह फजर के टाइम इनको बिल्कुल नहीं जगाया क्योंकि ये अपनी नींद पूरी कर लें। आज के दिन बहुत अच्छा हमारा गुजरने वाला है और बहुत बिज़ी गुजरने वाला है, तो सोचा ये अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी कर लें और सही से खूब सारा रेस्ट कर लें। तो यहाँ पर जी मोहम्मद को मैंने उठाया और अभी जो है मैं उनको चेंज करवाऊँगी। फ़्रेश होने के बाद जो है हमने जाना है ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे मोहम्मद बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। आई होप जो के गल्फ में रहते हैं वो बेहतर जानते होंगे कि अगर इस सीजन में आपको ठंडा पानी मिल जाए तो क्या एक्साइटमेंट होगी बच्चों की, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना गर्म होता है कि आपको कहते हैं ना कि पानी बॉयल किया हुआ पानी होना उससे भी ज्यादा गर्म होता है। माशाल्लाह से इधर मदीना में बहुत ठंडा पानी है वॉशरूम्स में, और वैसे भी जो है ना यहाँ पे आए तो एक सुकून सा फील होता है कि हर चीज़ जो है ना बिल्कुल रुक गई है और कोई अफरा तफरी नहीं है, बिल्कुल सुकून है यहाँ पे, तो माशाल्लाह। और अभी जो है मोहम्मद हो गए रेडी, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। इस होटल की ये खूबी है कि यहाँ पे आपको एवरीथिंग मिल जाएगी और साथ में यहाँ पे बुफे भी है, हर तरह के फूड आइटम आपको हर कंट्री के फूड जो है ना वो आपको यहाँ से आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ से मिल जाएंगे। और इसमें आपको यहाँ पे जो है पराठा भी मिल जाएगा, सिंपल रोटी हो गई, नान हो गए, हलवा हो गए, स्वीट डिशेस भी आपको जो है ना ब्रेकफास्ट में मिल जाएंगी, और हर तरह के जो है ना आपको यहाँ पे आइटम मिलेंगे। और ये फ्लाफिल है, एग हो गया, ऑमलेट हो गया, हर टाइप का जो है ना एग बना हुआ आप यहाँ पे आप बनवा भी सकते हैं। तो बिल्कुल हेल्दी सा यहाँ पे जो है ना आपको ब्रेकफास्ट जो है ना वो करने को मिलेगा। Leave it.
यहाँ पे उन्होंने जो है वो फ्रेश जूसेस रखे हुए थे आपको, पाइन एप्पल का, मैंगो, एप्पल, और साथ में कॉकटेल जो है ना वो आपको जूसेस मिल जाएंगे। और दूसरा जो है ना बच्चों के लिए भी उन्होंने काफ़ी जो है ना बच्चों की चॉइस के मुताबिक जो है ना यहाँ पे उन्होंने हर तरह के चीज़ें रखी हुई थी खाने के लिए, जिस तरह के बच्चे लाइक करते हैं। और बेकरी से रिलेटेड जो हो गई चीज़ें, केक, फ्रूट केक, कप केक, ब्रेड हो गई, सिंपल रोटी, पराठा वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मिलेगा है। और साथ में जो है यहाँ पे कॉफ़ी हो गई, ब्लैक टी हो गई, और कावा वगैरह हो गए, हर फ्लेवर के जो है ना कावा आप यहाँ से जो है ना वो बनवा सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। तो हर तरह का लिहाज से जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त इनका जो है ना ब्रेकफास्ट का मेन्यू है। तो जी हमने कर लिया ब्रेकफास्ट, तो मोहम्मद ने तो कुछ भी नहीं खाया, तो अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ। तो इनको जो है मैं फीडर बना के दूँगी ताकि वो थोड़ा सा पी लें, क्योंकि उसके बाद जो है हमने जाना है मस्जिद की तरफ। तो फिर जो है इन्होंने कुछ भी नहीं खाना और ऐसे ही भूखे रहना है। और जी यहाँ पे जी मैं इनका जो है ना वो पानी गर्म कर रही हूँ और फीडर बनाने के लिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन होटल से रिलेटेड आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये जो होटल की बुकिंग है हमने booking.com से हमने कर ली थी, अगर किसी को इसकी जो है प्राइसेस वगैरह चेक करनी है तो वो booking.com से चेक कर सकते हैं। और होटल का नाम भी मैं ऊपर आई बटन में मेंशन कर दूँगी, बॉस फॉरेस होटल है जो हमने बुक करवाया है। और ये मस्जिद नबवी के बैक साइड पर जो गेट नंबर 322 है, बाहर वाला गेट उसके बिल्कुल सामने है, और मस्जिद नबवी का जो अंदर वाला गेट है वो 23 बनता है। और मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब जो है ना सारे आपको अच्छे होटल मिलेंगे, जिसमें दारुल ईमान है, मूविन पिक हो गया, जमजम हो गया, अल अकीक, तैबा होटल हो गया, बिन दाऊद होटल हो गया, और ऐसे ही बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्टीनेंटल जो है ना आपको होटल यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको पाकिस्तानी खाने और रेस्टोरेंट भी चाहिए उन होटल के पास, तो आप जो है जो मस्जिद नबवी का गेट नंबर 330 है, आप उसके बिल्कुल सामने आपको सारी पाकिस्तानी, इंडियन और हर तरह के होटल्स और रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। और ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन होटल्स की और साथ ही जो है फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह की। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है हम आपको मस्जिद नबी की ज़्यारत करवाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।